हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंगर विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे मंदिर का टूर दे रही हूँ। ये मैंने अपना नया मंदिर अभी होली पर ही बनवाया था। तो पहले मेरे पास एक बहुत छोटा सा मंदिर था जिसमें मेरे सारे भगवान जी अंदर नहीं बैठ पाते थे। मेरे लड्डू गोपाल जी हमेशा मैं उनको बाहर की साइड बैठा के रखती थी। तो फिर मैंने ये होली पर अपना मंदिर चेंज किया था। तो जब मैंने मंदिर बनवाया था तो मेरा मन था कि मैं मंदिर को वाइट कलर में बनवाऊँ, बट जिन भैया से हमने ये मंदिर बनवाया था उनके पास वाइट कलर में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मंदिर बना के भी मुझे काफ़ी लेट दिया था, लगभग एक महीना बाद में उन्होंने मुझे मंदिर दिया था। हम लोगों ने भी काफ़ी वेट किया कि शायद भी वाइट कलर में मंदिर बना के दी, बट उन्होंने फिर ये हमें ऑफ वाइट में मंदिर बना के दिया था। ये देखिए, ये ऑफ वाइट और ब्लैक के साथ में है, ये ब्लैक पट्टी लगाई हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मंदिर है। नीचे की साइड ये यहाँ पर ड्रॉयर दिया गया है और ये देखिए ये मेरा मंदिर है इस तरीके से। और ये साइड में इधर में लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, ये माता रानी हैं, ये राधा कृष्ण जी सामने हैं और मेरे पास देखिए भगवान जी बहुत थोड़े से हैं। तो मंदिर भी मैंने इस बार तो जो मैंने मंदिर बनवाया है ये काफ़ी बड़ा मंदिर बनवाया है। ये देखिए मंदिर की डेकोरेशन मैंने खुद से की है। ये सब मैंने जो यहाँ पर जो मैंने लटकन लगाई हुई है कलरफुल, ये मैंने अपने आप से बनाई है। और ये जो मैंने पर्दे बनाए हैं और ये देखिए सेम मैंने पर्दों को बांधने के लिए भी खुद से बनाए हैं। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इनको यहाँ पर ये बिप सूट पहनाया हुआ है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए इस मंदिर में फ्रेंड्स मैंने साइड में, ये देखिए साइड में कॉर्नर रैक डलवाया हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे जो भगवान जी होते हैं जैसे मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं बहुत छोटे हैं, तो ये उधर बहुत आराम से बैठ जाते हैं। और ये देखिए ऊपर की रैक तो खाली है, वहाँ पर मैंने एक बड़ा दिया और लड्डू गोपाल जी के टॉयज़ रखे हैं। और ये जो हमने मंदिर के बिल्कुल सेंटर में ओम लगवाया हुआ है ये मंदिर में इंक्लूड नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बैकग्राउंड लाइट वाला मंदिर बनवाएं, बट फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हम लोगों को पड़ रहा था। और फिर ऊपर से हम लोग रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे ज़्यादा बड़ा स्पेस जो रहता है वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग फिर ये नॉर्मल मंदिर बनवाएं और बाकी का डेकोरेशन हमने ये खुद से किया। ये देखिए उन भैया ने हमें लाइटें भी नहीं लगा कर दी थी, तो लाइटें भी हमने खुद से लगाई, जिस वजह से वायर हम लोगों को बाहर की साइड दिखाई दे रहा है। और ये देखिए इधर की साइड कॉर्नर में भी ऊपर की साइड में लड्डू गोपाल जी के टॉयज और दिया रखा हुआ है, सामने ही भोलेनाथ जी रखे हुए हैं शिवलिंग। और ये देखिए ये मेरे राधे गोविंद जी, इनका श्रृंगार मैंने अभी किया है क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, तो सुबह सुबह पूजा के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सारे भगवान जी को तैयार कर सकें, तो मैंने राधे गोविंद जी का तो अभी श्रृंगार कर दिया है। ये देखिए ये दुर्गा माता जी हैं, मेरी माता रानी, और ये भी पीले वस्त्रों में हैं। आज लगभग सभी भगवान जी पीले वस्त्र में तैयार हो गए हैं। और ये देखिए ये राधे गोविंद जी के पास में मैंने गाय माता रखी हुई हैं, और ये साथ में नीचे एक मोर और इनकी चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं। और ये देखिए ये मैंने एक लोटे में इनके लिए जल, और इधर ये एक छोटा सा बॉक्स हमेशा इनके पास रखा रहता है जिसमें मिश्री और ड्राई फ्रूट्स रखे रहते हैं गोपाल जी के लिए। और ये साइड में इधर एक लोटे में जल रखा रहता है बाकी सभी भगवान जी के लिए बिना तुलसी के। और ये देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरीके से मैंने अपने मंदिर को डेकोरेट करने का कोशिश किया है। और ये देखिए साथ में इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपने मंदिर को डेकोरेट किया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। मेरे पास ज़्यादा भगवान जी का कलेक्शन नहीं है, बहुत थोड़े से मेरे पास भगवान जी हैं, बट जो भी हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही मनमोहक इनका रूप है। तो चलिए, और ये देखिए ये इसमें एक छोटा सा ड्रॉयर दिया गया है। ये देखिए ड्रॉयर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ड्रॉयर में बस मेरा जो थोड़ा डेली का सामान है पूजा का वही आ पाता है। ये देखिए ये सब इसमें चंदन और ये लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए अष्टगंध वगैरह सब रखा हुआ है, दिया बाती। और ये थोड़ा मैं मंदिर के लिए पैसे अलग से निकाल के रखती हूँ, ये सब ये कुछ मालाएँ हैं। तो ये देखिए ये सब डेली पूजा का सामान है इसमें, क्योंकि ड्रॉयर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये इतना ही खुलता है, बाकी जो सामान रहता है वो मैं एक्स्ट्रा अलग से रखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये फुल व्यू है मेरे मंदिर का।
मंदिर काफ़ी बड़ा हम लोगों ने बनवाया है। इसकी हाइट लगभग 3 फीट है और जो मंदिर की जो चौड़ाई है जिसको विड्थ बोलते हैं हम लोग, ये 2 फीट है। तो ये देखिए, लेकिन इसमें मेरे सारे भगवान जी बहुत अच्छे से आ जाते हैं और जब मैं भगवान जी को भोग प्रसाद लगाती हूँ तो वो भी रखने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा मंदिर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ कमी है तो भी आप बताइएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।